हेलो गाइस, मैं हूं अमित। भाई, एक जो मैग्नेट होती है वो आपको पता है कि लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट करती है, और जैसे ही हम इसके पास में लाते हैं ये देखो इससे चिपक जाता और छूटता भी नहीं है। लेकिन आज हम लोग बनाएंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है कि भाई ऐसे मैग्नेट जो कि बिजली से चले, कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं होगी, सिंपल फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कितना वजन उठा पाएगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए, क्योंकि भाई आपके लाइक से हमको मिलता है मोटिवेशन ताकि मस्त मस्त वीडियोस बना सके। तो फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमको एक वायर को गोल 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 लूप की शेप में बनाना होता है। उसके लिए एक सिंपल आइडिया है मेरे पास में। हमारे पास में एक माइक्रोवेव का ट्रांसफॉर्मर जिसको मैंने काट दिया है, और भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर कुछ इस तरीके की वाइंडिंग होती है, कॉपर का वायर होता है, और ये ऑलरेडी ही गोल गोल शेप में है, तो हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वायर काफ़ी मोटी भी है तो ये जल्दी जलेगी भी नहीं। तो फटाक से इसके जो ये जो दोनों एंड्स हैं ना, इनको कनेक्ट करते हैं वायर से। तो भाई इस तरीके से वायर्स को कनेक्ट करने के बाद में हमारा जो लूप है वो तो तैयार है, बट अभी ये अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि सारी जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो चारों तरफ निकल जाएगी और हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए इसको थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा, और जो माइक्रोवेव का ढांचा है वही काम आएगा, और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। इससे क्या होगा, सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऊपर की तरफ आएगी, चारों तरफ नहीं जाएगी। और मैंने इसको फंसा दिया एकदम नीचे। तो भाई अब हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो तो एकदम तैयार है, अब बारी है इसको पावर में लगाने की। इन दो तारों को हम कनेक्ट करेंगे सीधा हमारी 12 वोल्ट बैटरी में, और 12 वोल्ट बैटरी में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ भाई क्योंकि कम वोल्टेज है, बढ़िया काम करेगा, इससे हाई वोल्टेज पर वैसे भी रिस्क है। तो भाई जो दो तार हैं हमारे उनको कनेक्ट करते हैं फटाक से इसके दोनों टर्मिनल्स पे। तो भाई जो सर्किट है वो तैयार हो चुका है। जो वायर के दो एंड है वो मैंने कनेक्ट किए हैं यहाँ पर, और जो दूसरा एंड है वो बैटरी में कनेक्ट किए हैं। बट यहाँ पर एक मैंने वायर जो है वो अलग रखा है ताकि यहाँ पर हम इसको स्विच की तरह यूज़ कर सके। तो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ एक लोहे का पीस लेके। देखो मैंने इसको इसके ऊपर रखा, हथौड़े का टुकड़ा लोहे का है, बहुत भारी है वैसे, लगभग ये है भाई 6 पाउंड का। तो देखो मैंने इसको इसके ऊपर रखा और मैंने उठा दिया, या फिर अगर मैं उल्टा करूँ, देखो मैंने इसको रखा और उठा दिया, कोई अट्रैक्शन नहीं है बीच में। तो अब जो है हमारे सर्किट को यहाँ से करते हैं कंप्लीट, एक स्पार्क हो सकता है, बड़े ध्यान से करना पड़ेगा इसको। और भाई मैंने इसको जोड़ दिया, अब फिर से टेस्ट करते हैं, हथौड़ा लेंगे और इस पे रख दिया मैंने, मुझे फील हो गया अट्रैक्शन, और हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। देखो जो पूरा ट्रांसफॉर्मर था उसको ही उठा लिया, और इवन आप लोग देखो कि इसने हथौड़े को भी उठा लिया, 6 पाउंड के हथौड़े को। तो एक काम करेंगे, हमारे पास में और यहाँ पर वेट्स हैं 5 किलो 10 और 20, इनको भी टेस्ट करते हैं अब। और भाई इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से ये झटका भी मार सकता है हाई वोल्टेज का, इसलिए मैंने यहाँ पर अब एक स्विच लगा दिया ताकि हमको हाथ ना लगाना पड़े। तो अब जो है एक 5 किलो का हमारे पास में इस तरीके का बाट है, देखो ये काफ़ी हैवी है, तो इसको टेस्ट करते हैं ज़रा। अभी देखो कोई अट्रैक्शन नहीं है, मैंने ऑन किया इसको, और आप लोग देखो कि अब ये इससे चिपक चुका है। और भाई इसको छोड़ने के लिए सिंपली हमको इस स्विच को ऑफ करना है और ये छूट जाता है। तो भाई अब 10 किलो के ऊपर इसको चिपकाते हैं, देखो कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये इसको उठा नहीं पाता, बट यहाँ पर मैं ऑन करूँगा स्विच को, और स्विच को अच्छे से दबाना पड़ेगा, और अब आप लोग देखो कि जो मैग्नेट है वो तैयार हो गया, और मैंने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के दम पर उठा लिया। और भाई ये जो कॉइल है यार, ये गर्म होने लग गई, और देखो इसको छुड़ाने के लिए सिर्फ इसको बंद करना है और ये छूट जाता है, कमाल की चीज़ है यार। तो भाई अब बारी है 20 किलो की, जो कि सच्ची में काफ़ी हैवी चीज़ है। तो अब देखते हैं, फाइनल टेस्ट है इसका कि ये इसको उठा पाएगा या नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट को रखते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, और ये जो है इस पे चिपक चुका है, और भाई लग तो रहा है कि उठाई लेगा बिल्कुल। भाई साहब 20 किलो जो है वो बिल्कुल अलग नहीं हो रहा इससे, देखो बहुत वेट है, बट यार आप लोग देख ही सकते हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है। और भाई स्विच को ऑन करते ही इसमें देखो मैग्नेटिज्म आ जाता है, बंद करते ही हट जाता है, फिर मैंने दबाया अब अलग नहीं होगा, स्विच मैंने खोला ये अलग हो जाता है। देखो कितनी मस्त चीज़ें हमारे हाथ में है इसको कंट्रोल करना, और स्विच ऑफ करते ही हट जाता है, ऑन करते ही फिर चिपक जाता है। और इस बार देखो मैं इसको खींचूंगा और बीच में स्विच बंद कर दूंगा, देखो
कैसे झटके से मारता है यार। तो भाई आप लोग देख सकते हो स्विच फिर बंद हो गया, कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो किस तरीके से कितना मस्त काम करता है, 20 किलो को आराम से उठाता है। तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया, साइंस के ऊपर फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है, तो भाई लाइक ज़रूर से कर देना, हमें आपके लाइक की ज़रूरत है। मस्त मस्त वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।